कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर वन, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ। B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती सरला जैन, वाइफ ऑफ श्री पदम प्रसाद जैन। श्रीमती सविता जैन, वाइफ ऑफ श्री धनेंद्र जैन। अंशुल जैन, पारुल जैन। जैन स्टोर, पटपड़गंज, दिल्ली। राम रतन, रत्नी देवी पाटनी, प्रकाश चंद, सारिका पाटनी, प्राची जैन, कीर्तिश जैन एवं समस्त पाटनी परिवार। मेड़ता सिटी, जिला नागौर, राजस्थान। दिवंगत श्री मोहन लाल जी पाटनी, कलकत्ता की पावन स्मृति में सौभाग्यमल राजकुमारी, सुनील, संगीता, साहिल, प्रज्ञा एवं उत्सव कलकत्ता, टीकम, सुशीला, नवनीत, अनामिका, विकास, श्वेता एवं सिद्धांत बेंगलोर, बाबूलाल, शकुंतला कलकत्ता, अरविंद, रेणु एवं यशवर्धन बेंगलोर। जय जिनेन्द्र यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली ज्ञानशाला में ये बताया था कि धर्म के लिए या किसी कार्य के लिए धन आवश्यक है, तो फिर धन कमाने के लिए आप मना क्यों करते हैं? हम धन नहीं कमाएंगे तो पुण्य कैसे करेंगे? तो आचार्य ने अगला श्लोक लिखा है, देखें। श्लोक नंबर 16, पृष्ठ 20। त्यागाय श्रेयसे वित्त, त्यागाय श्रेयसे वित्त, मवित्तः संचिनोति यः, मवित्तः संचिनोति यः, स्वशरीरं सपङ्केन, स्वशरीरं सपङ्केन, स्नास्यामीति विलिम्पति, स्नास्यामीति विलिम्पति, स्नास्यामीति विलिम्पति, स्नास्यामीति विलिम्पति। त्यागाय, त्याग कहते हैं दान, दान के लिए या श्रेयसे या पुण्य के लिए। वित्तम, इस माँ को यहाँ लगा दीजिए। वित्तम अवित्त, अवित्त वित्त रहित, संचिनोति इकट्ठा करता है, यह माने जो, जो अवित्त धनहीन पुरुष दान के लिए या पुण्य के लिए वित्तम संचिनोति धन को इकट्ठा करता है। फिर देखें, यह माने जो अवित्त वित्त रहित, ये माँ जो है यहाँ आ जाएगा। यह माने जो अवित्त माने वित्त रहित पुरुष, कम पैसे वाला व्यक्ति, त्यागाय दान के लिए या श्रेय से पुण्य के लिए वित्तम धन को इकट्ठा करता है। सामान्य वह स्वशरीरम अपने शरीर को, पंकेन कीचड़ से, पंक माने कीचड़, कीचड़ से, स्नास्यामी इति विलिम्पति, स्नास्यामी मैं स्नान करूंगा इसलिए विलिम्पति लिप्त करता है। कोई व्यक्ति है वो अपने शरीर पर कीचड़ लगा रहा है। किसी ने पूछा, भैया शरीर पर कीचड़ क्यों लगा रहे हो? मुझे नहाना है अभी, तो नहाने से पहले कीचड़ लगा लूं फिर नहाऊंगा। इसीलिए कह रहे हैं यहाँ भी, धन कमाने में पहले तो पाप किया और धन कमाया, अब तुमने धन क्यों कमाया, इससे पुण्य कमाऊंगा, ये कौन सा न्याय है?
देखिए क्या कह रही है, सामान्य वह पंकेन कीचड़ से स्वशरीरम, स्वशरीर मन अपने शरीर को विलिम्पति लिप्त करता है। क्यों लिप्त करता है? स्नास्यामि, मैं स्नान करूंगा इसलिए। तो ये तो गलत बात हो गई। फिर एक बार देखें, यह माने जो अवित्त माने धन रहित पुरुष त्यागाय दान के लिए या पुण्य के लिए वित्तम माने धन को इकट्ठा करता है, वह ऐसा है जैसे वह पंकेनो कीचड़ से अपने शरीर को लिप्त करता है। क्या कहता है? स्नास्यामि, मैं स्नान करूंगा। तात्पर्य क्या है? आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं? धन कमाने में पाप होता है, बिना पाप के धन नहीं कमाया जाता। मैं इसलिए धन कमा रहा हूँ ताकि मैं दान कर सकूँ, पुण्य कमा सकूँ। तो पहले धन कमाने में पाप किया, कीचड़ लगाई, बाद में नहाए, इससे अच्छा तो यह है ना, कीचड़ ही मत लगाओ तो नहाना नहीं पड़ेगा। ये आचार्य कहना चाह रहे हैं। इसलिए अगर कोई अवित्त, कोई धन रहित पुरुष इसलिए धन को इकट्ठा कर रहा है कि मैं दान दूंगा या पुण्य कमाऊंगा, तो उसका वह ऐसा ही समझना जैसे वह कीचड़ से अपने आप को लिप्त करता है अपने शरीर को, यह कहता हुआ मैं स्नान करूंगा। पंडित जी, दान से तो पुण्य होता है, उसको यहाँ बेकार क्यों बताया? समुद्र कैसे भरता है? गंदी नदी नाले सबसे समुद्र भरता है। उसी तरह संपत्ति कैसे बढ़ती है? बिना पाप के संपत्ति नहीं बढ़ती। आचार्यों ने इस बारे में खूब लिखा है, बिना पाप के संपत्ति नहीं बढ़ती। हमने माना कि दान देने से पुण्य होता है, लेकिन पहले पाप करे और संपत्ति बढ़ाए, उसके बाद दान करे, तो हिसाब बराबर हो गया। फायदा क्या? इससे तो अच्छा है कमाए ही नहीं, इससे तो अच्छा है कमाए ही नहीं। ये यहाँ पर कहा जा रहा है, ये यहाँ कह रहे हैं, आपने पहले पाप किया और धन कमाया, बाद में उस धन को आपने दान में दिया, उससे पुण्य कमाया, हिसाब बराबर हो गया। हाँ, हम ये मानते हैं जिस व्यक्ति को विरासत में करोड़ों रुपए की संपत्ति मिली हो, मान लो किसी के पिताजी का स्वर्गवास हुआ है और वो उसको बहुत सारी जायदाद या संपत्ति छोड़ गए हैं, किराए की आमदनी 10-20 लाख रुपए महीने की आती है, ऐसे व्यक्ति को अगर वो दान करता है बिल्कुल महान पुण्य का बंधु होता है। लेकिन पहले पाप किया और उसके बाद फिर दान दिया तो कोई लाभ नहीं। क्या बिना पाप के संपत्ति नहीं बढ़ सकती? आप सब पढ़ने वाले, मुझे किसी एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ जिसके पास संपत्ति तो खूब हो लेकिन जिसके संपत्ति उपार्जन में पाप नहीं हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। जितने भी बड़े बड़े कारखानेदार, बड़े बड़े व्यापारी, जितने बड़े पैसे वाले हैं, सबके पास महान उद्यमी हिंसा होती है, और उद्यमी हिंसा होके वो जो कमाते हैं ना, वो हिंसा होने के कारण उसमें कितना पाप हुआ खुद हिसाब लगा लो। आपको एक भी व्यक्ति का नाम ऐसा नहीं मिलेगा जिसके पास पैसा तो हो लेकिन जिसके व्यापार में हिंसा नहीं होती हो। किस कारखाने में हिंसा नहीं होती? जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं सबके कारखाने आदि में महान हिंसा का काम होता है। इसलिए ज्यादा संपत्ति बिना पाप के कभी इकट्ठी नहीं होती। नीति में तो इसके लिए बहुत सारे श्लोक मिलते हैं। पंडित जी, अगर इस तरह धन इकट्ठा नहीं होगा तो फिर मंदिर आदि में दान कैसे होगा? मंदिर आदि बनाने में अगर किसी ने अपनी फैक्ट्रियों से पैसा कमाया और पैसा कमा के दान में दिया, तो इतना जरूर होगा कि पैसे कमाने में जो पाप लगा वो पाप धुलेगा,
लेकिन पुण्यबंध कैसे होगा? पुण्यबंध तो जब होगा जब शुद्ध कमाई होगी और शुद्ध कमाई दान में दी जाएगी। इस श्लोक क्या कह रहा है? श्लोक बिल्कुल स्पष्ट कह रहा है कि अगर आपने पहले पाप किया और पाप करने के बाद धन कमाया और दान दिया, ये तो ऐसे है कीचड़ लगाई और फिर बाद में बोले मैं नहाऊंगा, नहाऊंगा दान दूंगा। इससे अच्छा तो यह है कि ना पाप करके कमाओ ना पुण्य करने दान करके पुण्य कमाओ, नहीं तो हिसाब आपका बराबर। आपने 1 करोड़ कमाए और 1 करोड़ आपने दान में दिए, नहीं आपको कोई विशेष पुण्य फल नहीं मिलेगा। क्यों? पाप भी हो गया माइनस, पुण्य हुआ प्लस, हिसाब बराबर हो गया। श्रावकों को शास्त्रों में दान करने का आदेश क्यों दिया गया है? दान देने का आदेश इसलिए है ताकि आपके व्यापार में, आपके घर गृहस्थी के कार्य में आपने जो आरंभ किया और जो पाप कमाया है उस पाप का धोना कैसे होगा। समंत भद्र महाराज ने बहुत अच्छा एक श्लोक लिखा है और उसमें उन्होंने लिखा है जैसे पानी के द्वारा गंदगी धोई जाती है उसी तरह गृहस्थ को दान अवश्य देना चाहिए ताकि उसके नित्य लगने वाले जो पाप, नित्य के व्यापार में, घर गृहस्थी के कार्य में जो पाप होते हों वे पाप नष्ट हो जाएं, गल जाएं, धुल जाएं। इसलिए गृहस्थ को दान देना बहुत जरूरी है। हम सभी गृहस्थी हैं और हम सब गृहस्थियों के घर गृहस्थी के कार्य में हिंसा सबको लगती है और इसलिए दान सबको करना चाहिए। श्रावक को अपनी आय का कितना हिस्सा दान में देना चाहिए? श्रावकाचारों में इसके बारे में अच्छी तरह वर्णन है। श्रावकाचारों में लिखा है उत्तम श्रावक वो है जो अपनी आय का 25% दान में देता है, मध्यम श्रावक वो है जो अपनी आय का 1/6 दान में देता है, और जघन्य श्रावक वो है जो अपनी आय का 1/4 1/10 दान में दे। कम से कम भी अगर कोई देना तो 10% तो देना ही देना है। इतना अगर देता है तो उसकी आमदनी में या घर गृहस्थी में, व्यापार करने में, दुकान चलाने में जो आमदनी में जो पाप लगा वो पाप उसका धुलता है। शास्त्रों में ये भी लिखा है कि जैन श्रावकों को, जैन गृहस्थों को कौन सा व्यापार नहीं करना चाहिए। उन्होंने लिखा है जिस व्यापार में बहुत अधिक हिंसा होती है वो जैनियों के योग्य व्यापार नहीं। कमाई तो उन्हीं कार्यों में है, हमें कमाई से मतलब नहीं, हमें मतलब है आमदनी का जरिया पाप रहित तो होना चाहिए। ऐसा साधन नहीं लें जो पाप बहुल हो। ऐसे बहुत से व्यापार हैं, जैसे मान लो भट्टा, ईंट के भट्टे का व्यापार है, कोयले बनाने का व्यापार है, पटाखे का, आतिशबाजी का व्यापार है, फ्लोर मिल का धंधा है, इनमें बहुत जीव हिंसा होती है। जैसे फूलों से सेंट बनाने का काम है, इसमें बहुत फूलों में हिंसा होती है। तो ये कार्य महान हिंसा के हैं, ये कार्य आचार्यों ने बिल्कुल मंजूर नहीं किए। जैनी है इन कार्यों को बिल्कुल ना करें, स्पष्ट लिखा है आचार्यों ने, और अगर करता है महापाप का बंध करता है। धन नहीं होगा तो गृहस्थी के भोग उपभोग कैसे बनेंगे? इसलिए धन तो जरूरी है। आचार्य कहते हैं श्लोक नंबर 17 देखो तो भोग उपभोग की तुम बात क्या करते हो, क्या कहते हैं आचार्य। आरंभे तापे कान प्राप्ता वत्रिप्ते प्रतिपादकान अन्ते सुदुस्त्यजान कामान कामम कह सेवते सुधी। भोग और उपभोगों की वास्तविकता क्या है आचार्य बड़े अच्छे शब्दों में समझा रहे हैं। आरंभे भोग और उपभोग प्रारंभ में तो संताप देने वाले हैं। क्या मतलब? जब मन में बड़ी व्याकुलता होती है, बड़ी इच्छा होती है, ये चीज़ खरीदनी है भाई, तब वो खरीदता है, भोग उपभोग की सामग्री को लाता है। तो आरंभे भोग उपभोग की सामग्री
सबसे पहले तो संताप देने वाली है, और प्राप्ता व तृप्ति, संधि विच्छेद किया, प्राप्तौ अतृप्ति, और प्राप्त हो जाने पर अतृप्ति देने वाली है, उससे जी नहीं भरता, उससे जी नहीं भरता, और लगी रहती है, थोड़ी लाए अब इससे अगली और अच्छी, फिर इससे अच्छी और अच्छी, और उसकी लिमिट, कोई लिमिट नहीं होती, वो ये सोचता है और इससे अच्छी क्या मिल सकती है। तो ये कह रहे हैं प्राप्तौ अतृप्ति, और प्राप्त हो जाने पर एक भोग उपभोग आपने प्राप्त कर लिया, अब तृप्ति नहीं होती। प्रतिपादकान करने वाली है, ये भोग उपभोग कैसे हैं, पहले आरंभ में संताप देने वाले हैं, और प्राप्त हो जाने पर ये अतृप्ति प्रतिपादकान, अतृप्ति को प्रतिपादन करने देने वाले हैं, और अंते और अंत में सुदुस्त्यजान कामान, जिन कामान जिन भोगों को त्यजान छोड़ना बहुत कठिन है। एक बार भोगों के आदि बन गए, अब उन भोगों को छोड़ना संभव नहीं, भोगों को बढ़ाते बढ़ाते बढ़ा तो बहुत लिया, अब त्याग करना संभव नहीं। अंते अंत में कामान इन भोगों को सुदुस्त्यजान, इनका त्याग करना अत्यंत कठिन है। जिन भोगों का आरंभ संताप देने वाला हो, और जिनके प्राप्त होने पर अतृप्ति उत्पन्न हो जाए, और जिनको अंत में छोड़ना भी अत्यंत मुश्किल हो, ऐसे कामम, ऐसे भोगों को कह सुधी कौन ज्ञानी जीव सेवते, सेवन करेगा कोई नहीं करेगा। ज्ञानी कभी भोग उपभोग की वांछा नहीं करता, क्योंकि भोग उपभोग भोगने में पापबंध के ही तो कारण है, भोग उपभोगों को भोगने में कोई पुण्यबंद थोड़ी होता है। फिर देखिए जरा, जो भोग उपभोग प्रारंभ में संताप देने वाले हैं, क्योंकि जब मन में बड़ी इच्छा उत्पन्न होती है तब तो हम उस वस्तु को लेते हैं, और प्राप्त हो जाने पर अतृप्ति को देने वाले हैं, फिर भूख बढ़ जाती है और आगे, और अंत में उनका भोगों का छोड़ना अत्यंत कठिन है। एक बार आपने अपने आप को भोगों का आदि बना लिया, अब उनको छोड़ना बहुत मुश्किल, बहुत कठिन है। तो ऐसे कामम, ऐसे भोगों को कौन सुधि माने विद्वान विवेकी जीव ज्ञानी जीव सेवते, सेवन करता है कोई नहीं करता। पंडित जी, ये कोई जरूरी थोड़ी है कि भोग मिलने पर तृप्ति ना हो, बहुतों को तृप्ति हो भी जाती है। बड़ी अच्छी दो लाइनें हम सब रोज पढ़ते हैं, ज्यो ज्यो भोग संयोग मनोहर, मन वांछित जन पावे, तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके, लहर जहर की आवे। वैराग्य भावना वज्रनाभ चक्रवर्ती की कितनी सुंदर लिखी है, और जो वास्तविकता है, ज्यों ज्यों भोग संयोग मनोहर, जैसे जैसे मन को हरने वाले भोग और संयोग, मन चाहे यह जीव पाता जाता है, तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके, तृष्णा रूप जो नागिन है और डसती है, अर्थात अभी और आगे बढ़ो, अभी और आगे बढ़ो। अभी क्या था, स्कूटर था, अब क्या किया, अब गाड़ी ले ली, छोटी ले ली, और अब उससे बड़ी ले ली, और कीमती ले ली, मर्सिडीज पे आ गए, और आगे बढ़ गए। लिमिट नहीं बनती, इच्छा तृप्त नहीं होती। आज तक किसी को हमने नहीं देखा जिसने पहले 40,000 की गाड़ी खरीदी हो और अगली गाड़ी 30,000 की ले ली हो, ऐसा कभी नहीं होगा। बढ़ता ही जाएगा आगे, और इससे अच्छी। भोगों का स्वरूप ही ये है, इसलिए तो आचार्यों ने लिखा तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके, लहर जहर की आवे। इसलिए इन भोगों से आज तक कोई तृप्त नहीं हुआ। पंडित जी, बड़े बड़े ज्ञानियों ने भी तो भोग भोगे हैं, फिर उन्हें क्यों भोगे? बड़े बड़े ज्ञानियों ने
हमने माना भोग भोगे, लेकिन उन्हें आसक्ति बिल्कुल नहीं रही। उन्होंने भोग भोगे नहीं, उनको भोग भोगने पड़े। ये कैसे मालूम पड़े उनको भोग भोगने पड़े? जब भी किसी ज्ञानी को नौबत आई, एक मिनट में उन्होंने सब चीज छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? इसलिए छोड़ दी, अभी तक मजबूरी में ये भोग भोगने पड़ रहे थे। अब छोड़ने का अवसर आया है, चित्त में थोड़ा वैराग्य आया, छोड़ो। ज्ञानी तो भोग भोगते हुए भी ये सोचता है, ये भोग मेरे आत्मा के अहित करने वाले हैं, इनसे मेरी आत्मा का कोई हित नहीं। लेकिन मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, जब तक मैं दीक्षा नहीं ले रहा हूँ तब तक इनको भोगना पड़ रहा है। लेकिन कैसे भोगता हूँ? निराशक्त होकर भोगता हूँ, अर्थात भोगना पड़ रहा है, भोगने में मेरा मन नहीं लगता। वस्तु का भोगना भी तो दो प्रकार का होता है, एक मन लगाकर भोगना, एक भोगना पड़ना। ज्ञानी भोगता है लेकिन आसक्त भाव से नहीं भोगता। भोगों के भोगने से तृप्ति होती है या छोड़ने से? अग्नि है, अग्नि में आप लकड़ी डालते जाइए, क्या लकड़ी डालने से अग्नि कभी शांत हो जाएगी? कभी शांत नहीं होगी, और प्रज्वलित होती जाएगी। भोगों की वांछा है, उसे इच्छित भोग देते जाओ, नहीं, कभी इच्छा तृप्त नहीं होगी। इच्छा किसकी तृप्त होगी? जो इच्छाओं की वास्तविकता को जानकर कि ये पाप बंध के कारण है, ये विभाव है, इनके भोग पंचेंद्रियों के भोगों में कोई सार नहीं, मात्र पाप बंध के अलावा कुछ नहीं होता, इनको भोगने में जो सुख प्रतीत होता है वो माया जाल है, झूठा है। जब तक इतना नहीं समझ लेगा तब तक उनको कैसे छोड़ेगा? और जिनने ऐसा समझ लिया है, यद्यपि मान लो वो भोग भोगे भी, तो भी वो निराशक्त होकर भोगेगा। इसलिए ज्ञानी के तो भोग भी निर्जरा के कारण होते हैं, ऐसा कहा है आचार्यों ने। ज्ञानी के भोग भी निर्जरा के कारण है, क्यों? कि भोग भोगते समय भी उसके उनके अंतर में इन भोगों से कैसे बचें? वैराग्य निरंतर प्रज्वलित रहता है, इसलिए ज्ञानी के भोग भी पाप बंध के कारण नहीं होते। हमारे पूर्व कर्म के उदय से, पूर्व पुण्यों के उदय से हमें भोग भोग की सामग्री मिली है, तो इसको भोगने में कैसा दोष? ठीक, हमने आपकी बात सुन ली। पूर्व पुण्य के उदय से आपको खूब संपत्ति मिली है, इसलिए आप बहुत भोगते हैं। अब हम दूसरी बात आपसे पूछते हैं, जो संपत्ति पूर्व पुण्य के उदय से आपको मिल गई है, उसको भोगना अच्छा है या उसको दान देना अच्छा है? गरीब को देना, किसी को इलाज के लिए देना, किसी के यहाँ मंदिर नहीं हो मंदिर बनवाने को देना, मंदिर जीर्णोद्धार में देना, इसमें उसका व्यय करना अच्छा है या भोग और उपभोग में? हमारे पास जो धन संपत्ति आई है उसके दो उपयोग हो सकते हैं, या तो पाप कार्य में या पुण्य कार्य में। तो आपके पास अगर संपत्ति पूर्व पुण्य के उदय से मिली है, उसको हम कहते हैं भोग भोगो, न्याय के अनुसार, नीति के अनुसार भोग भोगने में आपत्ति नहीं। आसक्ति रहित होकर न्याय नीति से भोग भोगो, लेकिन दान भी तो दो। और जो संपत्ति आपने भोग में लगाई, अगर वो बजाय भोग के अगर दान में लगती तो कितना पुण्य का बंध होता, स्वयं सोचो। इसलिए अगर पूर्व पुण्य के उदय से आपको संपत्ति मिली है, उस संपत्ति का बेस्ट उपयोग है, उसका अधिकांश भाग आप दान में दें। अभी अखबार में रूस की एक महिला का नाम हमने पढ़ा। रूस की वो महिला सब्जी की दुकान करती है, लेकिन उसने अपने जीवन में मकान नहीं खरीदा, गाड़ी नहीं खरीदी, करोड़ों रुपए का दान उस सब्जी वाली दुकान से करके दिया, और वो किसी भी दुखी को दुखी नहीं देख सकती। अब मैं पूछता हूँ, उसने अपनी संपत्ति का सही उपयोग किया या नहीं? अगर बजाय उसके वो अपनी उस करोड़ों की संपत्ति को मकान और गाड़ी और बंगले में लगा देती तो अच्छा होता, या उसने दान में दी वो अच्छा हुआ? इसलिए अगर पूर्व पुण्य के उदय से आपको संपत्ति मिली है,
तो उसका सही उपयोग है, उसका अधिकांश भाग दान में, लोगों के कल्याण में, धार्मिक कार्यों में उसको लगाएं। भोग भोगने में तो पाप बंद ही होगा, पाप में क्यों लगाते हैं? अब पाप कार्यों में लगाएंगे आगे फिर मिलेगी नहीं। हम सबको भी अच्छी तरह सोचना चाहिए कि हम सबकी आजीविका पाप वाली न हो, पाप रहित हो, चाहे थोड़ी आजीविका हो तो भी अच्छा है, लेकिन आजीविका बिल्कुल न्याय नीति से आगम के अनुसार जो बताया है उस प्रकार की होनी चाहिए। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान पश्चिम बंगाल, अमिता जैन वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन, मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती सरला जैन वाइफ ऑफ श्री पदम प्रसाद जैन, श्रीमती सविता जैन वाइफ ऑफ श्री धनेन्द्र जैन, अंशुल जैन, पारुल जैन, जैन स्टोर, पटपड़गंज, दिल्ली। राम रतन, रत्नी देवी पाटनी, प्रकाश चंद, सारिका पाटनी, प्राची जैन, कीर्तिश जैन एवं समस्त पाटनी परिवार, मेड़ता सिटी, जिला नागौर, राजस्थान। दिवंगत श्री मोहन लाल जी पाटनी कलकत्ता की पावन स्मृति में सौभाग्यमल राजकुमारी, सुनील, संगीता, साहिल, प्रज्ञा एवं उत्सव कलकत्ता, टीकम सुशीला, नवनीत अनामिका, विकास, श्वेता एवं सिद्धांत बेंगलोर, बाबूलाल, शकुंतला कलकत्ता, अरविंद, रेणु एवं यशवर्धन बेंगलोर।